खबर यहाँ पे मेरे ऊपर दो अटैक हो गए, एक जैसे ही मैं पहुंचा था उस वक्त हो गया, एक दूसरा हो गया। अब मैं इनको कहता हूँ कि मुझे वापस जेल अभी मैं इसको कह रहा हूँ मुझे वापस जेल भेजा जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं गैर महफूज हूँ, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरी प्रोडक्शन आर्डर जारी हुई है, अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं आपको जेल नहीं, तो ठीक है प्रोडक्शन आर्डर पे अमल करके मुझे फिर बजट इजलास में पेश किया जाए, क्योंकि ये पूरे साल में बजट का एक ही इजलास होता है और जिसमें अपने अपने हलके के मसाइल और बंदा रख जाता है। और ये मुझे एक पहले जब मैं हरिपुर जेल में था उस वक्त मुझे इस इजलास से महरूम रखा गया था, और एक कज़न अभी मुझे इस इजलास से महरूम रखा जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि हम मैंने कोई गैर आइनी मुतालबात नहीं रखे हुए हैं, मैंने दो मुतालबात रखे हुए हैं, एक जो पार्लियामेंट हाउस ने प्रोडक्शन आर्डर जारी की हुई है मैं उसका कह रहा हूँ, दूसरा मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दो अटैक्स मेरे ऊपर हो गए हैं, मुझे लिहाजा मेहरबानी करके वापस जेल मुंतकिल किया जाए। इसमें से कोई अगर ऐसी गलत बात हो तो ये पुलिस के जिम्मेदारान भी बैठे हुए हैं, ये दूसरे फरिश्ते भी बैठे होंगे, आसमान के फरिश्ते भी यहाँ पे कई खड़े होंगे, तो कोई ऐसी बात हमें बताई जाए कि वो कहे कि आप एक गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे ये कर रहे हो, ठीक है। और मैं 3 साल से मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए, लेकिन जब मेरी प्रोडक्शन आर्डर निकल गई तो प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ तो इन्होंने मुझे यहाँ पे जेल भेज दिया गया ताकि वहाँ वो असेंबली इजलास में शिरकत न कर सके। या क्या मैं इस पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ? क्या मैंने रिश्वत खाई है? मैंने हराम खाया हुआ है? मैंने बम ब्लास्ट किए हुए हैं? मैंने दहशतगर्दी की हुई है? क्या हम उन लोगों के सिर्फ यही वजह है कि जो नजायज़ कारोबार कर रहे हैं जो लोग, हम उसी कारोबार में सिर्फ रुकावट है? सबसे बड़ी बात यही है। तो मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सूबाई और वफाक की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर ज्यादती हो रही है, मावराई आइन के और कानून के काम हो रहे हैं, लिहाजा मुझ पे यहाँ पे अटैक्स भी हुए हैं, आप मेहरबानी करके यहाँ पे इस मसले का सोल्यूशन निकाला जाए, वरना मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ, बीपी भी मेरा है, और साथ ही मैं आज सुबह से मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है और कोई खाना पीना नहीं किया और भूख स्ट्राइक पे हूँ, लिहाजा मैं तब तक भूख स्ट्राइक पे रहूंगा जब तक मेरी बात न मानी जाए। मेहरबानी, थैंक यू। बस आप लोग बस कर दे।